हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर व्लॉग्स। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी की, जो ये वीडियो है उसका कि बेबी बॉयज़ की जो FHR और प्लेसेंटा क्या सेम होता है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स, मेरे दो बेबी बॉयज़ है और एक बेबी गर्ल है, तो दोनों बेबी बॉयज़ का प्लेसेंटा और FHR क्या सेम होती है, उसी टॉपिक को कवर करते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो आपको पता है कि क्या करना है, और 100 लाइक्स तो करा ही देंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, 2019 में हुई है ये स्कैनिंग, जो मेरे बड़े बेटे हैं उनकी ये स्कैनिंग रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेबी की फीटल हार्ट रेट 156, जी हाँ, BTS, और प्रेगनेंसी एज 25, और फीटल, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर फीटल वेट, जी हाँ ये रहा मेरा बेबी का फीटल वेट। और नीचे आएंगे थोड़ा तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज एंटीरियर बॉडी ग्रेड 1 मैच्योरिटी है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर इस 25 वीक्स की जो प्रेगनेंसी का, आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर है फीटल हार्ट रेट, ये रहा फीटल हार्ट रेट, देख सकते हैं 156। 25 वीक्स प्रेगनेंसी 6 डेज़ है, और बेबी का वेट देख सकते हैं, और प्लेसेंटा यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको। देखिए, प्लेसेंटा इज एंटीरियर बॉडी 1 ग्रेड 1 मैच्योरिटी। तो यहाँ पर लिकोरिया वॉल्यूम देख सकते हैं एडिक्वेट, जो कि सही है। कहने का मतलब है, जो मैंने प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया, मेरी जो ओन प्रेगनेंसी, उसी का प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ विथ प्रूफ। तो ये दूसरी रिपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने रिसेंटली 2022 में 3 मार्च को डिलीवर किया। यहाँ पर EDD डेट देख रहे हैं, इसी डेट के वो मैंने डिलीवर किया है। बेबी मेरे इस वक्त 6 मंथ के हैं। तो ये रही एनोमली स्कैन, देख सकते हैं यहाँ पर 18 वीक्स हैं, और मेरी बेबी का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शो हो रहा है प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पर भी प्लेसेंटा इज सेम एंटीरियर, जी हाँ, इस पोजीशन ग्रेड 1 मैच्योरिटी। तो यहाँ पर भी इस वीडियो में भी तो प्लेसेंटा एंटीरियर ही था, और इस वीडियो में भी, सॉरी, इस रिपोर्ट में भी एंटीरियर ही था, और इस रिपोर्ट में भी एंटीरियर है, और ये दो अलग अलग रिपोर्ट है। और यहाँ पर देखिए लिकोरिया वॉल्यूम देख सकते हैं हम, यहाँ पर 17.2 cm है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो यहाँ पर प्लेसेंटा शो हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एंटीरियर, और फीटल हार्ट रेट बता दूँ मैं आपको, ये रहा 150 बीट पर मिनट। तो ये दोनों मेरे बेबी बॉयज़ की रिपोर्ट है विद प्रूफ, मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम ही हो, बेबी बॉयज़ की ही है ये भी। ये मेरे बड़े बेटे हैं, और ये छोटे बेटे जो रिसेंटली इसी साल डिलीवर हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं EDD डेट, तो विद प्रूफ, और मेरी जो ओन प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो आप लोगों को पता है क्या करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है बॉय, जी हाँ, और इसमें नहीं लिखा है तो इसमें भी लिख देती हूँ बॉय, बिकॉज मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों की रिपोर्ट्स संभाल कर रखती हूँ, तो कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ ज़्यादा शो नहीं हो रहा होगा, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ये एक है, जी हाँ, ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ये देखिए दोनों अलग अलग रिपोर्ट हैं, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। तो ये था प्रूफ के बेबी बॉयज़ हैं, तो इनकी दोनों की FHR बिल्कुल अलग है। तो किसी ने पूछा था मुझसे पर्सनली कि बेबी बॉयज़ की FHR सेम होती है, तो बिकॉज़ मेरे दो बेबी बॉयज़ हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या बेबी बॉयज़ की FHR सेम होती है प्रेगनेंसी में। तो जी नहीं, यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। ये देखिए, 5th मंथ की स्कैनिंग रिपोर्ट है, ये एनोमली लिखा गया है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो यहाँ एनोमली स्कैन में फीटल हार्ट रेट देख सकते हैं 150 बीट पर मिनट है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
ये भी एनोमली स्कैन ही है, मगर कहाँ लिखा है वो देख रही हूँ मैं, देखकर आप लोगों को बता दूंगी। तो फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर FHR, यहाँ पर ये रहा 156। तो यहाँ यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है मगर सेम तो नहीं है। जी हाँ, यही ये रहा एनोमली स्कैन। तो दोनों एनोमली स्कैन है, यहाँ पर 56 है, देख सकते हैं यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 156 है और यहाँ पर 150 है। तो ये रहा प्रूफ। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। इसी तरह अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं फिर डेली वीडियोस बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखें। हैप्पी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें और हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।